जय श्री गणेश। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्म में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ कार्य जो आपको कदापि नहीं करने चाहिए, अगर आप ये कार्य करते हैं अपने जीवन काल में तो आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानी और परेशानी और परेशानियां ही झेलनी पड़ती हैं। वो कुछ खास काम है जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर आप इन दुष्कर्मों को करते हैं तो आपको जबरदस्त रूप से नुकसान होता है, समझ रहे हैं आप। तो वही कुछ उपाय मैं आपको आज बताऊंगी कि कौन कौन से काम जाने अनजाने में आप लोग कर देते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत नुकसान होता है। तो अगर आप आज से पहले कर चुके हैं तो उसको तो शांति है, अब जान के करोगे तो मुसीबत है, समझ रहे हो। तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। इसके साथ साथ ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक संस्थान जो चैनल है मेरा सेकंड नंबर का, उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बटन दबा दीजिएगा जिस घंटे का, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। 8126476399 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मेरे को कॉल और मैसेज बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ वही लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं जिनको बहुत भयंकर रूप से कोई परेशानी हो, वरना मत करना, क्योंकि मैंने अटेंड ही नहीं करना है। क्योंकि मेरे पास बहुत लोग मैसेज और कॉल करते हैं और मैं इतना अटेंड नहीं कर सकती हूँ। मुझे एक एक दिन में 5-5, 6-6 हज़ार मैसेज आते हैं, ये बहुत होते हैं। मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ सुबह शाम पढ़ने की, तो मैं बहुत ज़्यादा 150 सुबह पढ़ पाती हूँ और 150 शाम को पढ़ पाती हूँ। इससे ज़्यादा मैं मैसेज नहीं पढ़ पाती हूँ इसलिए। और अगर आपको मुझसे कोई सामान चाहिए हो तो 9027228840 9027822840 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं आपको व्हाट्सअप पे जो भी आपको चाहिए, चाहे आपको 6 मुख रुद्राक्ष चाहिए, गौरीशंकर रुद्राक्ष चाहिए, कौड़ियाँ चाहिए, क्योंकि मुझसे थ्रू आउट वर्ल्ड के लोग सामान लेते हैं, तो आपको जो भी कुछ चाहिए हो आप उससे मैसेज पे मांग सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप का दोनों ही नंबर बता दिए, लिख लीजिए 9027822840। इससे आप मुझे कोई भी सामान मंगा सकते हैं, चाहे आप कुछ भी मंगाएं, गौरीशंकर रुद्राक्ष, कोई माला, चाहे आप गुंजा मंगाएं, कुछ भी मंगाएं। और दूसरा है मेरा 8126476399, इस पर आप मुझे अगर बहुत ज़रूरत हो तो व्हाट्सअप करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से ऐसे काम होते हैं जिनको आप अनजाने में कर देते हैं तो आप पाप कर बैठते हैं, और वो कौन कौन से पाप हैं। नंबर 1 पे आता है, यदि आपने कभी भी जानबूझ के या अनजान में पीपल का पेड़ कटवा दिया तो आपने बिन बुलाए मुसीबत अपने घर पे बुला ली। पीपल का पेड़ नहीं कटवाते, उस पर कभी भी आरी चाकू तलवार नहीं चलवाते हैं। पीपल का पेड़ नहीं कटवाया जाता है, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। अगर आप पीपल का पेड़ कटवा रहे हैं तो आप अपनी मुसीबत खुद बुला रहे हैं। पीपल का पेड़ किसी भी हाल में नहीं कटवाना है, तो मतलब नहीं कटवाना है। अगर आपके घर आंगन में कहीं पीपल का पेड़ आ भी गया है, उग भी गया है, और आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, तो आप बहुत प्यार से, आराम से, बिना उसको परेशान किए हुए धीरे से उस पेड़ को निकलवा लीजिए किसी से, और उसके बाद उसको किसी मंदिर में, किसी पूजा के स्थान पर, वरना किसी शमशान घाट में दान कर दीजिए। उसे खुदवा के लगवा के उसमें जल चढ़वा दो, ठीक है। तो आपको कभी भी पीपल का पेड़ नहीं काटना है, इसको याद रखना है। दूसरे नंबर पे आता है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ भी इसी श्रृंखला में आता है। ये वो पेड़ होते हैं जो दिव्य पेड़ हैं। इस पेड़ को भी कभी काटना नोचना नहीं चाहिए। इस पेड़ को भी एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर जाके लगवा दो, पूजा पाठ करवा के। तीसरे नंबर पर किसी भी तरीके से जो पौधे होते हैं जो लंबी आयु देते हैं, हरे भरे वृक्षों को कभी नहीं कटवाना चाहिए, खासतौर पर जो अच्छे हों, भरे हुए हों, हले। अब कोई मुसीबत पड़ जाए पेड़ तो वो अलग बात है कि हम पेड़ को छटवा देते हैं, लेकिन कटवाना नहीं चाहिए, ठीक है। हरे भरे वृक्षों को, वृक्षों की बात हो रही है, हरे भरे वृक्षों को, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, इनको कटवाना नहीं चाहिए। इनको कटवाने से आपको मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा, इस चीज को आप याद रखिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि आजकल कुछ लोग जो है जबरदस्ती अबॉर्शन करवा देते हैं अपना, या अपनी वाइफ का करवा देते हैं, वो भी गलत है, वो भी बहुत बड़ा पाप है। आप ऐसी नौबत ही मत आने दीजिए कि बच्चे का अबॉर्शन कराना पड़ जाए। तो अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जब भी आप गर्भपात करवाते हैं किसी, तो वो एक भ्रूण होता है, वो एक आत्मा ही होती है। उसका अबॉर्शन कराने से आपको भ्रूण हत्या का पाप लगता है, और ये ब्रह्म हत्या के बराबर ही होता है।
तो इसका एकदम से श्राप लगता है। तो किसी भी रूप में भ्रूण हत्या का पाप ना ले, और अगर आपसे कभी इस तरह के कोई पाप हो ही जाते हैं तो उसके लिए क्या करना है वो भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपको एक और काम करना है, कभी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ नहीं काटने हैं, हरे भरे वृक्ष भी नहीं काटने हैं, भ्रूण हत्या नहीं करनी है। चौथे नंबर पे आपके जो आते हैं वो आते हैं गुरुजन। आपको कैसे भी गुरु मिले हो उनकी कभी भी तिरस्कार मत करो, उनकी बेइज्जती मत करो, उनका अपमान मत करो, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नौकरी से भी जाओगे, हाथ धो बैठोगे। गुरु को हमेशा, गुरु कैसा भी हो, कितना भी खराब हो, उसको हमेशा सम्मान दो। गुरु को अपमान कभी नहीं करना है। गुरु को आप मान के चलेंगे कि वो मतलब भगवान जैसा ही है आपके लिए, क्योंकि उसने आपको कितना ज्ञान दिया है। क्योंकि मैंने एक बार पहले वीडियो में आपको बताया था कि ज्ञान दान, ज्ञान देना कभी ख़त्म नहीं होता, दान करने से भी कभी ख़त्म नहीं होता। और पुण्य, ज्ञान दान पुण्य जितना करो उतना कम है, वो बढ़ता ही है, वो कभी घटता नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने गुरु का भी कभी भी अपमान नहीं करना है। बड़े बुजुर्गों का, जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जैसे जो बहुत बूढ़े होते हैं, जो अपंग हैं, जो अपाहिज हैं, जो बिस्तर पे पड़े हैं, उनका भी आपको टेक केयर करना है, उनकी अनदेखी नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागी बनते हैं। पांच, कोई विकलांग, कोई बीमार, कोई परेशान, उसका मजाक नहीं उड़ाना। अगर आप किसी विकलांग परेशान बीमारी का मजाक उड़ाओगे तो वो पलट के आपके घर में जरूर चल के आएगी, वो बीमारी, वो असाध्य रोग आपके घर में जरूर आता है। इस चीज को ध्यान रखना, समझे आप। कोई भी व्यक्ति ऐसा जो मर रहा हो उसका ध्यान रखना है, उसको उल्टा सीधा नहीं बोलना, ठीक। तो ये चीजें आपको देखनी है। गर्भित स्त्री, जो स्त्री गर्भावस्था में हो, उसको कभी मारना मत, उसके पेट पे लात मत मारना। मैंने अभी, मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था कुछ समय पहले, उसने मुझे बताया था कि उसके पति ने उसके पेट पे इतनी लात मारी कि उसका 4 महीने का बच्चा अबोर्ट हो गया। मुझे इतना दुख हुआ और इतना गुस्सा भी आया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती ना। मैंने उसको बोला था कि अपने घर में कंप्लेन की, तो उसने क्या बोला कि पापा मम्मी ने बोला है कि वही तेरा स्वर्ग है, वही तेरा नरक है, जो है उसे एक्सेप्ट करो। मुझे बहुत गुस्सा आया, ये क्या मतलब हुआ। तो इस तरह के लोग होते हैं। मैंने इसलिए, मैं किसी भी बात को बिना लॉजिक नहीं बोलती हूँ, मुझे सब पता है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए आपसे कोई पाप हो ही गया है, आपने पेड़ काट दिया है, आपने, आपसे बच्चा अबोर्ट हो गया है, अनजाने में हो गया, क्योंकि पहले तो आपको नहीं पता था ना, आपसे अपने गुरु की अवहेलना हो गई है, आपने किसी बुजुर्ग की अवहेलना कर दी है, या आपने किसी पंडित को, किसी को, जो पंडित जो मंदिर में होते हैं ना भगव, जो पूजा पाठ पंडित करते हैं, उसको किसी को तिरस्कृत कर दिया, गाली दे दी, अभी आपको क्या करना है, वो उसके लिए आपको क्या करना है, क्षमा प्रार्थना करना है। क्षमा प्रार्थना करोगे तो आपका काम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उसके निमित्त आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, किससे, एक ही है, भगवान शिव जी। आपको भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करनी है, और शिव अपराध क्षमा स्त्रोत आता है, शिव अपराध क्षमा स्त्रोत का पाठ करना है। शिव क्षमा अपराध स्त्रोत आपको नेट पे मिल जाएगा, वरना आप किताबों की शॉप पे जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। गीता प्रेस की किताबें सबसे अच्छी होती है, वहाँ से लीजिए, आपको मिल जाएगा। इसको आप करना शुरू कीजिए, और ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, ये 5 गलतियाँ कभी मत कीजिएगा। अगर गलती आपसे हो चुकी है तो शिव अपराध क्षमा स्त्रोत पढ़ लीजिए, इससे आपको तत्काल फायदा होगा। लेकिन रोज सुबह भगवान शिव के समक्ष बैठ के पढ़ना है, और लगातार 108 दिन पढ़ना है, ये याद रखना, लगातार 108 दिन पढ़ेंगे आप शिव जी का ये स्त्रोत, और 108 बार पढ़ेंगे। और जिन दिनों कोई, अगर आप स्त्री हैं, अगर आपको महीने की प्रॉब्लम होती है, तो उन 3 दिनों में आप मोबाइल पे पढ़ लेना, या आपके पास कोई पेपर पे लिख के रखना, उस पे पढ़ लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पाप से, ऋण से मुक्ति पा लेंगे। भगवान शिव के सामने वही आह्वान कर देना, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, या मेरे पति का नाम अमुक है, मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, हमें क्षमा करो, हमारी जो गुरु माया संध्या जी, उन्होंने हमें बताया है, हम पाप से मुक्ति चाहते हैं, अतः हम पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमें भी पाप से मुक्त करें, जो भी इसको पढ़ता है उसको पाप से मुक्ति करें, हमारी गुरु माँ है उनसे, अगर उनके परिवार से कोई पाप हो गया हो, कोई अपराध हुआ हो, उनको भी मुक्त करें, हम सब पे कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। और चूंकि मैं आपको ये पूजा बता रही हूँ, तो प्लीज़ 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 कम से कम 11 रुपये हुड्डी में भगवान गणपति के या शिव जी के डाल देना, यही मेरी
तक्षणा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपने सभी पापों से मुक्त हो जाओ और खुशहाल रहो, अच्छा काम करो। तो आज के लिए इतना ही है, ये पांच चीज़ें कभी मत करना जो मैंने आपको बताई हैं। और अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो आपको बताई दिया, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को और ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और उसमें जो नीचे के सारे वीडियो पड़े हैं ना, वो पहले किसी और पंडित जी ने डाले थे ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष में, क्योंकि मैंने चैनल को ओवरटेक किया है, तो उसको देख लेना। वैसे मैंने देखा नहीं उसने डाला क्या था, पर उसने मुझे अपना चैनल अभी हाल ही में दिया है तो हमने उसका नाम चेंज किया है, ठीक है। तो तुम देखो उसको, क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता उसने नीचे का डाल रखा है, पर आप देखना।